के पास जाकर अपनी शिक्षा मंत्री की बात मानते नहीं है, हमको अपनी बात मानने के लिए क्यों बात करते? शिक्षा मंत्री की बात नहीं मानते, मुख्यमंत्री की बात नहीं मानते हैं, और हम लोग तो बात करते हैं। अपने बाप का बात नहीं मानते हैं, शिक्षा मंत्री का हम लोगों को मनवाने की कोशिश करते हैं, अपना उनका आचरण ठीक नहीं है, हमारे आचरण ठीक करने में लगे हुए हैं, उनके तुलकी फरमान के खिलाफ ये आंदोलन है। के पाठक पर इतना काहे गुस्साए हुए? के पाठक पर गुस्साए हुए जो भी फरमान जारी करते हैं, अच्छा समझ से बाहर भी फरमान जारी करते हैं। जरा बताइए, 9 से 5 आज ठंडा के दिन फरमान भेजा है तो सही भेजा है? शिक्षा विभाग कभी गिरवाने का चीज नहीं है, शिक्षा विभाग प्यार से सहा के बढ़वाने का चीज है, प्यार बढ़ाने का चीज है, प्रेम बढ़ाने का चीज है, शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने का नियम गिरवा रहे हैं। ऐसा गिरवाते हैं जैसे बड़का भारी कुछ आने वाला है, लोग उनके आते ही खत्म हो जाएगा, ऐसा डर बना दिया, खौफ बनाने का चीज है। शिक्षा विभाग खौफ का चीज नहीं है, प्यार का चीज है। क्योंकि पाठक को नहीं घुसा है, उन्होंने जो अपनी परिस्थिति रचना रचनी है खौफ लाती है, उसके खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं। क्योंकि पाठक अपनी शिक्षा मंत्री की बात मानते नहीं है, हमको अपनी बात मानने के लिए क्यों बात करते? अपने शिक्षा मंत्री की बात नहीं मानते, मुख्यमंत्री की बात नहीं मानते हैं, और हम लोगों को बात करते हैं। संघ संगठन बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, संघ बना हुआ है और उस रजिस्ट्रेशन के अंदर हम लोग आते हैं और हमको धरना प्रदर्शन धरना प्रदर्शन कीजिएगा, आंदोलन कीजिएगा, रोक देंगे, सस्पेंड कर देंगे, नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। जैसे लगता है कि मुख्य कानून चाहिए नेपाल बना दिया, ये नेपाल नहीं है, भारत की अपनी प्रजातंत्र सरकार है। संगठन के माध्यम से चलते हैं, तो प्रजातंत्र को नहीं मानते हैं, तानाशाही को मानते हैं, हिटलरशाही को मानते हैं, इसलिए बिगड़े हुए हैं। इसे बिगाड़ के मेरा प्रश्न कुछ नहीं है, कल अगर हट जाते हैं चौकी पर गए हट जाते हैं तो सरकार से बात होगी, बात कर जाए सरकार ऐसे बनी हुई है कि जैसे लगता हो कि उन्हीं के राजा बना दिया गया, वो जो चाहेंगे वही होगा। इसके खिलाफ सर के पाटिल जी का मानना है कि शिक्षा व्यवस्था बहुत गिर गई है, उसको सुधार कर शिक्षा व्यवस्था सुधार कर रहे हैं, कुछ अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि थोप के नहीं, जबरदस्ती करके नहीं। कर्मचारी अगर कोई बोलता है, शिक्षक अगर कोई बोलता है, वित्तरहित के लोग बोलता है, पेंशन संघ के लोग बोलता है, उस सब पर ऐसे भयानक भी करते हैं जिसे सबसे मानने की, अरे संगठन के कोई रोक नहीं करते, कभी के लिए पाठक संगठन को नहीं रोक सकते, संगठन को रोकना मतलब प्रजातंत्र को बाधित करना, प्रजातंत्र को ये मेरा मानना है कि संगठन को कभी नहीं रोक पाएगा। संगठन रजिस्ट्रेशन से बनता है, रजिस्टर्ड संगठन जान बुझ के उसको ऐसा किया जाता है जिसके लगता है कि तानाशाही, आपको नहीं लगता है कि बिहार में के पाठक की सरकार है, चाहे मुख्यमंत्री कहे शिक्षा मंत्री है सरकार है, यही और कोई बिहार में कोई लीडर नेता कुछ है सरकार है? के पाठक के पाठक को ऐसा बनाया गया है जैसे लगता है ठीक है, उनको शिक्षा मंत्री को सहायता रहा होगा तो उनको दे दिया होगा मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री को सहायता था कि शिक्षक को सहायता। अच्छा सर ये कहिए, आपको क्या मानना है जो के पाठक जी के आने के बाद शिक्षा में सुधार हुआ है कि नहीं? शिक्षा में सुधार हुआ नहीं है, छात्र आने लगे हैं, कोई देखने वाला नहीं था, इसलिए छात्र जरूर तो नहीं आने लगे, स्कूल में आने लगे छात्र जरूर आने लगे, लेकिन पढ़ाई में कोई ऐसा सुधार नहीं, पढ़ाई में नहीं था, राज भी है, पढ़ाई में क्या सुधार, हमको पढ़ाना है, के भी नहीं पढ़ाना चाहेंगे तो कौन पढ़वा दे, जबरदस्ती नहीं पढ़वा दीजिएगा क्या? पढ़ाना तो हम ही को शिक्षा में सुधार नहीं हुआ है, छात्र के आने में वृद्धि हुआ है, छात्र को अटेंडेंस कटने का डर बना है, तो छात्र के डर के साथ साथ शिक्षक को भी डर बना है, ऐसे होता नहीं। मेरा मानना है कि शिक्षा मंत्री इंटरफेयर करना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए सबके साथ, तेजस्वी यादव को होनहार को
भी चैंपियन करना चाहिए और के पाठक को कहीं अलग दे देना चाहिए ताकि शिक्षा में कम से कम वैमनस्यता जो कायम हो गया है वो सुधार होगा। प्रेम भाव सद्भाव का सद्भाव नहीं है शिक्षा, यानी इस विभाग से हटा देना चाहिए। इस विभाग से हटा देना चाहिए, इस विभाग को नहीं हटाएंगे तो सरकार को दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। आप लोग इसका विरोध करेंगे क्या? हम लोग इसका विरोध करेंगे और मैं विरोध तब चालू ही है, जब तक लाएंगे तब तक विरोध करेंगे, विरोध नहीं है। के पाठक को हटा कराना है, पाठक को सरकार को हटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। क्या लगता है ये जब से के पाठक दिया है कुछ शिक्षक लोग भी लापरवाही करते हैं क्या, किस स्तर पर क्या कहेंगे? शिक्षक लोग आपस में पढ़ाने की बात हुई है वो ऐसा कुछ नहीं पढ़ाई में वृद्धि कर रहा है, केवल मैं कह रहा हूँ कह रहा हूँ कि छात्र का वृद्धि हुआ है, चूँकि छात्र को लगा है जब हटा दिया जाएगा काट दिया जाएगा उसमें उनका सहयोग उनके चलते उसमें शिक्षा में पड़े। ठीक, कॉलेज स्तर पर हम मानते हैं कि सही है, लेकिन क्या प्राथमिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था में कुछ टीचर लोग स्कूल नहीं जाते थे, ये मानना है लोगों का, उस पर क्या कहें? तो उसका कहने का कुछ नहीं कहना है, शिक्षा व्यवस्था में अगर प्राथमिक में कोई दिक्कत था और उसे वृद्धि हुआ है तो प्यार से करना चाहिए, जबरदस्ती से नहीं, यानी तानाशाही नहीं होना चाहिए, तानाशाही नहीं करना जी, तानाशाही का मामला बिल्कुल उनका विरोध तानाशाही का है, बेमतलब फरमान जारी करने का है। 5 बजे तक रात में कोई महिला अगर किसी स्कूल में है तो 5 बजे के बाद डेरा कैसे जाएगी, जरा कैसे लौट के जाएगी? अब हम लोग पूरा खानदानी जीवन प्रयास पड़े हैं, मुख्यमंत्री जी भी उसमें बोले जिसमें 10 से 4 क्या कुछ सोच के हमारा पूर्वज या हमारी व्यवस्था बनाई गई थी वो गलत बनाई गई थी, जिसको वो अकेले सुधारने वाले 9 से 5 कर दिए हैं। आज जो सुविधा है वो 9 बजे से कोई स्कूल में जाना है, आज के दिन में 9 बजे जाना है अब 5 बजे आना है, कैसे जाएगा और कैसे आएगा, 15 किलोमीटर कैसे आएगा, कैसे जाएगा, मेरा मानना है जो गलत बात है। तो क्या पाठक जी तो कहें कि स्कूल के 10 किलोमीटर के अंदर ही डेरा लेके आना है, ठीक है 10 किलोमीटर में भी अभी 9 बजे जाना है, 9 बजे पहुँचना है, 10 किलोमीटर के अंदर 9 बजे जाना और 5 बजे छोड़ना गलत नहीं समझा, जहाँ तक बच्चे के बारे में कह रहे हो बच्चा और छोटा छोटा ढेर सारा अभी बहाल किए हैं, बहुत अच्छी बात है, सिर्फ की बहाल हुई है उसके छोटे छोटे बच्चे, उसके 10 किलोमीटर सुबह में जो महिला होगी उसको तो खाना रास्ता बना के ही जाना पड़ेगा ना, ये नया बहाल किया है सरकार, अच्छा काम सरकार के काम से इसका सराहना होता है, सब जगह शिक्षक बहाली में घपला नहीं हुआ है, इसकी सराहना हो रही है, जरा बताइए उसके छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ जाएंगे, 10 किलोमीटर नहीं रहेगा तो अपने बच्चे को रास्ता भेजेगा कि नहीं।